आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। देखिए, जनपद में एक लगातार एक सूचना मिल रही थी कि रात्रि में जो घरों के सामने जो भैंसें बंधी रहती थी और अन्य जो मवेशी हैं वो बंधे रहते थे, उनको एक गैंग वो लगातार चोरी की घटनाएं कर रहा था। और उसके बाद में उसको ले जाके ये लोग कहीं दूसरी जगह बेच देते थे। हम लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और बाद में जानकारी मिली कि कुछ लोग फोर व्हीलर के अंदर जो भैंस हो या बकरी हो या गाय हो, इनको ये लोग चोरी करते थे और चोरी करने के बाद में इनको ले जाके पास ही के आसपास के जो जनपद है वहाँ पे कहीं रख देते थे। और उसके बाद में फिर उनको वहाँ से ये लोग या तो उनको बेच देते थे या फिर यहाँ पर कहीं और जगह उनको डिस्पोज कर देते थे। इसी में आज थाना मुबारकपुर में और अन्य थानों में 7 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है, जिसमें एक मोहम्मद वाकिफ है, एक साजिद है। मोहम्मद वाकिफ है ये फूलपुर थाना के रहने वाले हैं, साजिद और सब्बू और अफरोज ये जीएनपुर के रहने वाले हैं, एक मुश्ताक है ये भी जीएनपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक शकील अहमद है, ये थाना निजामाबाद के रहने वाले हैं, और एक अलकमा उर्फ जुनेद हैं, ये थाना कोतवाली जनपद मऊ के रहने वाले हैं। और इन लोगों के पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत रहे हैं, जैसे बाकी पे इनके ऊपर करीब पहले से 33 मुकदमे थे और 5 मुकदमे अभी इनके ऊपर खुले हैं, इनका नाम खुला है। और साजिद हैं, इनके ऊपर भी कई मुकदमे हैं। इन सब लोगों से टोटल जो हमारी जो टीम है उसने हमारे जो 17 थानों में जो घटनाएं हुई थी, करीब 27 घटनाओं का इसमें खुलासा किया गया है। और इनके पास से 24 जो भैंस जो जानवर है उसके वो मिले हैं, और इसके अलावा 9 बकरी इनके पास से मिली है, 2 तमंचा मिले हैं, 2 कारतूस मिले हैं। और इसके अलावा जो इन लोगों ने पूर्व में जो घटनाएं कारित की थी और जिन जानवरों को उन्होंने बेच दिया था, उसकी बेचने के लिए करीब 41,700 रुपये की नकद धनराशि इनके पास से बरामद हुई है। तो ये एक बड़ा साथी टाइप का गैंग था, विशेष तौर से ऐसे लोगों के टारगेट बनाते थे जो बेचारे गरीब लोग होते थे और अपने जो जानवर है उनको बाहर खुले में बांधते थे घर के सामने, और वहीं से ये चोरी करके ले जाते थे। और इससे उन लोगों की जो आजीविका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी, और ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय था कि उन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसमें हमारी जो टीम है इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, और थानों की जो 17 थानों की जो करीब 27 घटनाओं का इसमें खुलासा किया गया, 24 इसमें भैंस है वो बरामद हुई है, और बाकी जो पूर्व में जो और कुछ घटनाएँ थी जिसमें करीब 4 घटनाएँ और थी, उनमें से करीब 41 जो हजार की जो धनराशि वो इनसे मिली है। तो इसके लिए पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत किया गया है और अलग अलग जगह से इनकी रिकवरी भी की गई है। और बाकी इसमें अन्य और भी लोग हैं जो कि इस पूरे गिरोह में सम्मिलित हैं, और ये ना केवल ये गिरोह जनपद आजमगढ़ में चोरियाँ कर रहा था बल्कि आसपास के और जनपदों में भी चोरी की घटना इनके द्वारा की जा रही थी, तो वहाँ पर भी जानकारी की जा रही है और जानकारी करके इन सबके विरुद्ध इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी, और आगे इन सभी के ऊपर गैंग एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। और जो इस तरह के जो कृत्य करके इन लोगों ने जो पैसा अर्जित किया है उसको लेकर गैंग एक्ट की कार्रवाई हम लोग इनके विरुद्ध करेंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छी रिकवरी हुई है, और इसके लिए मेरी पूरी टीम है, 15,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि ये जो घटना है वैसे सामान्य घटना आप कह सकते हैं इसको, लेकिन एक व्यक्ति जिसके यहाँ से भैंस चोरी की घटना होती है तो उसका पूरा परिवार और पूरे परिवार की जो आजीविका है उससे प्रभावित होती है। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था, और इसीलिए इसमें जो टीम है काफ़ी दिन से काम कर रही थी, अब जाके इसमें इसकी सफलता इसमें मिली। सर, ये जो गैंग है ये गैंग किस तरीके से काम करता था और इसका उद्देश्य क्या, वो फसल करने का था या फिर चोरी करने का था? देखिए, आप सभी जानते हैं कि भैंस एक आज के डेट में जो कीमत है मार्केट में, वो कोई भी भैंस आप कहीं से भी खरीदेंगे तो सस्ती से सस्ती भैंस वो भी 50,000 से ऊपर की रेट में मिलती है। तो एक बहुत बड़ी धनराशि इस तरह की जो क्राइम है उससे ये लोग अर्जित करते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो आपने किसी का अगर मवेशी चुरा लिया है तो उसको बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि कोई उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है जनरली, तो आप दूसरी जगह ले जाके बेच सकते हैं और फिर उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इस तरीके से ये लोग इसमें काफ़ी इनको मुनाफा ये लोग कमाते थे। और फोर व्हीलर में इन्होंने पीछे की जो सीट है, जो जानकारी मिली है, गाड़ी अभी बरामद नहीं हुई है, उसको बरामद करना है, उसमें पीछे की सीट हटा रखी थी, और एक एक दो दो जो वाहन मतलब जो मवेशी है उनको इनके द्वारा चुराया जाता था, पहले आइडेंटिफाई करके रोड पे कहीं आसपास में बंधी हुई है खुले में, उसको ये लोग विशेष तौर से टारगेट करते थे, और उसके बाद में उसको ले जाके कहीं दूसरे जनपद में रख दिया, और फिर उसको फिर जैसे उसके जो भी मोल भाव करके
और उसको बेचने का ये काम विशेष तौर से करते थे। और जनपदों में भी सक्रिय था ये आसपास के, जैसे गाजीपुर जानकारी मिली जिन लोगों ने गाजीपुर में भी चोरियाँ की है। इसके अलावा इधर अम्बेडकर नगर से लेके मऊ और बगल में जौनपुर, यहाँ तक इन्होंने इस तरह की घटनाएं उसको अंजाम दिया है। इस पे एक व्यक्ति है उसके ऊपर 10,000 रुपये का इसमें नाम था। ये देखिए हमारे यहाँ पे टोटल 17 थानों की घटनाएं इन्होंने एक्सेप्ट किया है इसमें, और उनका इसमें अनावरण भी किया जा रहा है, और उनसे संबंधित जो भैंसें थी वो बरामद भी उनसे की गई है। जो बादी है उसके द्वारा उनको चिन्हित किया गया है, चिन्हित करके उनको खुर्दगी में दिया भी गया है। तो ये सारी जो घटना है, क्योंकि जो आदमी अपने जानवर को, जो उनका जो पैट होता है उसके बारे में वो अच्छे से जानता है कि उसके वो उसको ना वो मालिक भूलता है ना जानवर उस मालिक को भूलता है। तो जब इन लोगों को वहाँ पर ले जाके हम लोगों ने आइडेंटिफाई कराया तो सारी जो जानवर है उनके जो मालिक है उन्होंने पहचान की है। पहचान करने के बाद उन लोगों को उसको खुर्दगी दिया गया है। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।